रहे थे श्री बज्रनाथ ने चार डैम को स्थापित किया है, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गिरिराज गोवर्धन में हरिदेव और यहाँ पर श्री बलदेव। ये चार देवों को उन्होंने स्थापित किया है। कितना देव को? कहते हैं देव मतलब क्या होता है? देव मतलब होता है, कहते ये देव का मतलब होता है जो बल देव, मतलब बल का जो अधिष्ठात्र देवता, मतलब किस चीज की बल है? कहते भक्ति की बल है। किस चीज की बल है? भक्ति की बल है। मतलब है जब तक श्री बलदेव प्रभु का कृपा नहीं हो जीवन में कोई भगवान की भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकते है। कहते ये बलदेव प्रभु है कौन? कहते ये बलदेव, तुम लोग किधर किधर घूमते रहते हो? इसलिए कहते ये इनके बगैर जीव को कभी भगवत भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कृष्ण ही अपना सेवा शिक्षा देने के लिए उन्होंने दूसरे रूप जो धारण किया है श्री बलदेव है। कृष्ण और बलदेव में कोई फर्क नहीं है, केवल कृष्ण देखने में काले और श्री बलदेव प्रभु देखने में गोरे, केवल इतना ही फर्क है। लेकिन यहाँ पर श्री बलदेव प्रभु को देखो, बलदेव प्रभु तो गोरे हैं, लेकिन यहाँ पर गोरे नहीं। कैसे? कहते ये काले हैं। बल ये काले कैसे हो गए? ब्रज में जितने बलदेव प्रभु को देखो सब काली काली देखे। बोले क्यों? बोले जब श्री बलदेव प्रभु यहाँ छोड़कर के मथुरा फिर द्वारका चले गए, जब बलदेव प्रभु ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए आए तो उन्होंने कृष्ण का चिंता करते 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 श्री बलदेव प्रभु जो गोरे थे वो बन गए काले बन गए। इसलिए बोले कृष्ण चिंता निवेशन, कृष्ण चिंता करते करते क्या बन गए? ये काले हो गए कृष्ण चिंता करते करते हैं। इसलिए कहते श्री बलदेव, कहते एक अवतार नहीं, ये हर अवतार में बलदेव प्रभु आए। जब राम रूप में आए ये श्री लक्ष्मण बन करके आए, लक्ष्मण बन करके आए, ये छोटे भाई बन करके आए। लेकिन जब द्वापर युग में वही राम जब कृष्ण बन करके आए, ये छोटे बन करके नहीं, ये बड़े भैया बन करके आए। बोले क्यों बड़े भैया बने, छोटे क्यों नहीं बने? बोले कारण है तृतीय युग में जो कुछ नहीं करनी चाहिए वो काम करना पड़ा। मतलब क्या काम करना पड़ा? मतलब पहला काम करना पड़ा सीता जी को, जब राम ने त्याग दिए, ये लक्ष्मण को बोले तुम जा करके सीता को जंगल में छोड़ करके आओ। सीता तो उनकी आराध्या देवी, सीता देवी को कैसे जंगल में छोड़ सकते? लेकिन अभी छोटे भाई बन करके आए ना, इसे बड़े भैया का आदेश पालन करना पड़ेगा छोड़ने के। लेकिन जब सीता को फिर वापस लाए लंका से, फिर उन्होंने ये लक्ष्मण को बोले सीता से जाओ, क्योंकि सीता को हम परीक्षा करेंगे ये पवित्र ना अपवित्र है। इनको चिता सजाना पड़ा माँ लक्ष्मी के लिए, वो तो अपना माँ मानती है ना, उनको चिता सजाना पड़ा। ये फिर भक्ति धर्म के विरुद्ध है। मैया के लिए, अपना इष्ट देवी के लिए उन्होंने चिता सजाया, अग्नि प्रज्वलित किया। फिर लक्ष्मण ने देखा छोटे भैया बनकर गड़बड़ी हो गई, बड़े भैया का आदेश पालन करना पड़ेगा ना, नहीं चाहने पर भी मैं और मैं छोटा बन करके नहीं आऊंगा, आऊंगा तो मैं बड़ा बन करके आऊंगा। इसलिए फिर जब वही कृष्ण फिर राम बन करके आए, वही राम जब कृष्ण बन करके आए, फिर ये दाऊ भैया बन करके आए। ये दाऊ भैया, बोले श्री दाऊ भैया की, जब बड़े बन करके आए, फिर जब कलयुग में फिर वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, फिर श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु बन करके आए, ये भी बड़े बन करके आए हैं, वो छोटे बन करके आए नहीं। बोले क्यों? बोले बड़ा बनूंगा ना। हाँ कृष्ण नहीं चाहने पर भी उसको जोर जबरदस्त में कुछ कर सकता हूँ। इसलिए कैसे, जैसे कोई सेवा करने के लिए कृष्ण अगर मना करेगा, बोले नहीं तुमको ये काम करना पड़ेगा, उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा के लिए बड़े भाई ना, उनका आदर्श पालन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दो अवतार में बड़े बन करके बलदेव प्रभु आए, और उन्होंने बलदेव प्रभु ने, इसलिए
जब नित्यानंद प्रभु बन करके आए, इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, लोचन दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते बोले, संसारे र पारैया भक्ति र सागरे जे डूबे बसे भजो नीताई चाते रे। इसका मतलब है, अगर ये संसार से कोई पार होकर के प्रभु की प्रेम रस में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं, क्या करे, बोले श्री बलदेव प्रभु का भजन करो। है ना नीताई बिने भाई राधा कृष्ण पाए थे नहीं। जब तक श्री बलदेव प्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक राधा कृष्ण मिलने वाले नहीं। इसी की कृपा से ही ये राधा कृष्ण का भक्ति प्राप्त होएगी, इनके आशीर्वाद से। इसलिए ये बलदेव प्रभु जो बन करके आए, सर्वप्रथम उन्होंने गर्दभासुर को मारे। किसको मारे? गधे को मारे। बोले क्यों, ये गधे के क्यों मारे? हम कभी कभी कहते ना, तुम क्या गधाए गाली देते है ना, क्या बोलते हैं, क्या तू एक गधे हो? गधा मतलब क्या, एकदम मूर्ख है, एकदम मूर्ख है। कहते हमारी अंदर में भी एक मूर्खता बैठा हुआ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सही कथा होए संसार में मोजा बहिनो अनेक काल। हम लोग भी संसार में गधे बन करके दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। बल्कि संसार यही छाया बाजी प्राय इहाते ममता करी पृथा दिन जाए। हम भी ये संसार में जो एनर्जी देनी चाहिए कृष्ण सेवा के लिए, ये मानव शरीर ठाकुर ने क्यों दिया हमें, इसलिए दिया मानव शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये जीवन इसलिए दिया, आए थे हरि भजन को, हमने हरि की भजन करने के लिए आए हैं, लेकिन ओटन लग कपास, हम दूसरे काम में लग पड़े। जो काम के लिए आए थे छोड़ दिया, जो नहीं करने के लिए आए थे वो संसार में लग गए, वो घर गृहस्थी संसार में हम फंस गए। इसलिए बताए, हमारी अंदर में भी एक गधा बैठा हुआ है, लेकिन ये गधे को मारना पड़ेगा, है? जब तक ये गधे को नहीं मारेगा ना, भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए ये गधा मतलब होता है अज्ञान, ये अविद्या व मूर्खता, है? इसलिए ये मूर्खता गधे को कौन मार सकते हैं? बोले श्री बलदेव प्रभु ये गधे को मार सकते हैं। गधे को मार करके हमारा हृदय में कृष्ण भक्ति की प्रेम को ये संचार कर सकते हैं श्री श्री बलदेव प्रभु। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गर्दभासुर को मारे, मतलब पहले गधे पेड़ को खत्म करो, फिर दूसरे में उन्होंने किसको मारे, पहले उन्होंने प्रलंबासुर को बंद किया। ये प्रलंबासुर कौन है, जो भगवान को निराकार निर्विशेष कहते हैं। बोले भगवान तो निराकार है, उनका तो रूप नहीं गुण नहीं, इसलिए बलदेव प्रभु उसको भी मारे। बोले भगवान का रूप नहीं, भगवान का रूप नहीं तो तू कहां से आ गया? इसलिए बाइबल में कहते हैं, गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान अपना जैसे उन्होंने ये इंसान को बनाया। कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, बोले ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जगत में जितने जीव है सबके सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें सर्वम भगवान ही हमारे पिता माता भगवान है। इसलिए जो भगवान निराकार कहते हैं ना, बलदेव प्रभु उठा दे अपना हाल मुसल खत्म कर देते उसको, है? इसलिए फिर उन्होंने बंद किया है दुविध बंदर को। बोले दुविध मतलब क्या, बोले ये राम का समय पर राम का पक्षा लेकर के रावण को साथ में युद्ध किया था द्विविध। लेकिन जब रामा बता रहे थे, लेकिन राम को तो बड़े सम्मान करता था, लक्ष्मण कथन इसके अंदर कुछ नहीं, ये लक्ष्मण किस काम का नहीं, हाँ राम भगवान है, है? राम भगवान है। इसलिए कहते जब फिर राम का लीला खत्म हो गया, फिर वही कृष्ण बन करके आए, वो तब भी रहा। एक दिन बलदेव प्रभु अपना महिषियों को लेकर के बलदेव प्रभु सुंदर लीला कर रहे थे, इतने में ये द्विविध बंदर आकर के ना दुष्ट संग में, ये भ्रष्ट हो गया दुष्ट संग में, और बलदेव प्रभु को तरह तरह से उनके साथ में जो महिषियां थी बड़ी सुंदर सुंदर, उन्होंने चिढ़ाने लग गए। जब चिढ़ाने लग गए, भगवान कृष्ण सोच रहे थे, नहीं रामा अवतार में मेरी तो बहुत सेवा की, बहुत सेवा की रामा अवतार पे, लेकिन ये अभी क्या करें। लेकिन जब ज्यादा ही कुछ करने लगे, बलदेव प्रभु उठाया अपना हल को,
पकड़ाए उसका गले पर खींच कर लिए और जो उनका हाथ में मुसल था ना मारे उसको सर पर मार के उसको एकदम छत्तू बना दिए। इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये द्विमित्र को क्यों मारे? बोले द्विवीर, द्वि मतलब होता है दो और वीर, वीर मतलब होता है जानना। मतलब है जो भगवान और बलदेव प्रभु कृष्ण बलराम को जो अलग मानते हैं, नहीं तो गुरु और कृष्ण को जो अलग मानते हैं, राम और लक्ष्मण को जो द्विवीर, जो दो वीर मत जानना, इनको जो अलग मानते हैं, बल अलग नहीं कृष्ण ही अपना सेवा शिक्षा देने के लिए उन्होंने श्री ताऊ भैया का रूप धारण किया है। इसलिए अब देखना महाप्रभु अवतार में जब माधाई ने नित्यानंद प्रभु का सर को फोड़ दिए हैं, सर को फोड़ दिए, श्री महाप्रभु ने क्या किया? चक्र को बुलाया, बोले चक्र 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 आ गया। जगाई माधाई देख करके बोले चक्र सुदर्शन चक्र, ये तो हमको मार डालेंगे। फिर उन्होंने उनके चरण में माफी मांगी। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु का आघात करता है वो मेरे को आघात करता है, जो नित्यानंद प्रभु का सम्मान करता है वो मेरे को सम्मान करता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु और कृष्ण को अंदर में कोई फर्क नहीं, वो एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कृष्ण उद्धव जी को कहते, बोले उद्धव आचार्य मांग भेजा दिया, जो आचार्य है जो मेरे भक्त है वो मेरा ही रूप है, जो गुरुदेव है वो मेरा ही रूप है, मेरे से ये कोई अलग नहीं। इसलिए जो गुरु और वैष्णव को और गुरु और भगवान को बलदेव प्रभु कृष्ण को अलग मानते हैं ना, क्या करते हैं ताऊ भैया, बास ताऊ भैया उठाते हैं अपना हाल कुशल मार देते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु है कहते हैं बलदेव प्रभु का हाथ में क्या है, जब ये वृंदावन में रहते हैं इनके पास में श्रृंगार रहता है, लेकिन कृष्ण का हाथ में क्या रहता है, बंसुरी। लेकिन वही कृष्ण बलराम जब वृंदावन छोड़ करके मथुरा और द्वारका जाते हैं फिर कृष्ण का हाथ में चक्र है। ब्रज में मधुर लीला है ना, वो बंसुरी को तरह सबको मोहित करते हैं, बंसुरी को तरह सबको पागल बनाते हैं, इसलिए बंसी बजा करके सबका दिल को चुराते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब आते हैं मथुरा में द्वारका में है वो स्वरूप को त्याग देते हैं, क्योंकि परित्राण आय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, फिर अपना स्वरूप ले लेते हैं, लेकर के चक्र लेकर कृष्ण जितने राक्षस दुष्ट को विनाश करते हैं और ताऊ भैया क्या ले लेते हैं, हल और मुसल को ले लेते हैं। बोले हल को तरह क्या कहते हैं, बोले खेती, हल से क्या करते हैं खेती, ये खेती करते हैं। बोले कहाँ खेती करते हैं, बोले जीव का हृदय को खेती करते हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है ना पत्थर बन गया है, हमारा हृदय पत्थर बन गया। बोले पत्थर क्यों हो गया, क्योंकि भगवान की कथा सुन करके भगवान को भजन करके हृदय हमारे पिघलता नहीं, हमारा हृदय पिघलता नहीं, इसलिए हमारा हृदय पत्थर हो गया। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वो कहते हैं पाषाणी कुटी व माता अनले पसीव कौरंग गुनेर नीति को थगेले पाप। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हमारा हृदय तो पाषाण थे, मतलब पत्थर से भी ज्यादा क्या बोलते हैं सख्त हो गया है, क्योंकि अगर पत्थर है ना जब कन्या बंसुरी बजाए वो बंसुरी ध्वनि सुन करके पत्थर भी द्रवीभूत हो गया, लेकिन हम कृष्ण कथा सुन करके हमारा हृदय भी द्रवीभूत नहीं हो रहा है, हृदय पिघल नहीं रहा है। हृदय बलदेव प्रभु क्या करते हैं, गुरु रूप में बलदेव प्रभु हमारा हृदय में खेती करते हैं, हृदय में खेती करते हैं, जो हृदय कठोर है उसको मुलायम बना देते हैं। और जब खेती करते हुए आप देखना नंगल से खेती करते हैं, अब उसमें बड़ा बड़ा ढेला होता है ना, फिर उसको क्या करते हैं जो मुसल से उसको मार करके एकदम मुलायम बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं। इसमें बीज, इसमें बीज हो तो बड़ा सुंदर पेड़ होगा, बड़ा सुंदर वृक्ष होगा। इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है जो गुरुदेव श्री बलदेव प्रभु हमारा हृदय जो कठोर हृदय में
कृष्ण की मधुर मधुर कथाओं को सुना करके, कृष्ण की मीठी मीठी कथाओं को सुना करके हमारे हृदय को मुलायम बना करके, जिसमें कृष्ण भक्ति बीज जिसमें संचार हो जाए। जैसे आप लोग पहले हम लोग हाथ भी हाथ में, पहले हम क्या करते थे, पहले हम भी ये संसार में माया में हम भी फंसे हुए थे, लेकिन गुरु वैष्णव ने क्या किया, हमको कथा सुना करके और हमें भी पागल बना दिया, खुद भी पागल अंदर डोल रहे और हम सबको पागल बना दिया, घर वाल छुड़ा दिया, हाँ किसको विदेश, किसको ब्रिजबेन छुड़ा दिए, किसकी अमेरिका छुड़ा दिए, किसकी दिल्ली छुड़ा दिया और वृंदावन में डोलो और राधे राधे, इसलिए सब पागल बना दिया। इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने सब पागल है ना, सब झूठा पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है, वो सच्चा पागल वो है जो पागल है श्री बाके, सब आप बाके बिहार का पागल बनेंगे, किसकी कृपा से, बोले श्री बलदेव प्रभु का कृपा से हम भगवत भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए इनकी बहुत सारी कथा, इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं पुरुष श्री कीट है ते मुई से लकिष्ट, जगाई माधाई है ते मुई से पापिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य खय, केवल निर्भिन्न मरे के बाद करे एक नित्यानंद बिना संसार माचा। इसका मतलब है, बहुत अच्छी बात बलदेव प्रभु के लिए बताए, क्या बात बताए, बोले जगाई माधाई इतने पापी, इतने पापी जगाई माधाई, चित्रगुप्त ने इनकी नाम पाप को लिखते 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 तो काफी घर में भर गया, वो सोच रहे हैं इनका उद्धार कैसे होएगा, जगाई माधाई से ज्यादा पापी हम हैं, और पूरी से कीट है, पिष्टा जो टाटी होता है ना, पिष्टा का कीट, उसमें जो कीड़े होते हैं उससे भी मैं छोटा हूँ, और मोर नाम लय जय, अगर मेरा नाम कोई ले लिया ना सारे कहते मोर नाम सुने जाई, तार पाप है, उसको पाप लगता है, इतने में निर्घृण, इतने में छोटा आदमी, इतने गिरे हुए आदमी, लेकिन इतने बड़े गिरे हुए आदमी का अगर कोई उद्धार कर सकता है, कौन उद्धार करेगा, बोले और कोई उद्धार नहीं कर सकते हैं, एक नित्यानंद प्रभु, ये बलदेव प्रभु ही, ये बड़े दयालु है, जो मार खा करके भी प्रेम देने वाले हैं, जो मार किए प्रेम दे, इसलिए महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु मेरे छी कल सिर करना ताई बोली की प्रेम से बना, भले ही तुमने कल श्री काना मार कर छोड़ दिया सर, इसलिए क्या प्रेम नहीं दूंगा, एक बार बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। अब हम लोग सब बलदेव प्रभु के पास में आए, इनके दर्शन से सब बात, सब दर्शन हो गया, इनके दर्शन कर लिया ना पूरा तुम्हारे दर्शन करने का सारे फल मिल गया, क्योंकि बलदेव प्रभु, इसलिए इनके चरण में प्रार्थना करो, प्रणाम करो और इनसे भक्ति मांगो, जैसे सारा जीवन जैसे गुरु वैष्णव की सेवा करते करते, भगवान की भक्ति करते करते ये जीवन जैसे हमारा बीत जाए, हाँ इनसे यही प्रार्थना करो, क्योंकि हमें जो बल देने वाले ना, अब देखना संसार के लिए तो बड़ा एनर्जी, संसार का काम के लिए ना दिन भर, लेकिन जब भजन की बात आए ना तब नींद आती है, भक्ति का जब बात आई नींद आती है, ये भक्ति का बल कौन देगी, दाऊ भैया, ये दाऊ भैया ही भक्ति को बल देंगे, इससे प्रणाम करो, दाऊ भैया से प्रार्थना करो, हमें भक्ति का बल दो, जैसे हम भक्ति जगत में चल सके, ठीक है, बड़े से बड़े प्रभु की, और देखो इधर उधर कोई भटकना नहीं, सीधा जाकर गाड़ी में बैठो, हमको एक बजे अंदर में हमको पहुंचना, हरे कृष्ण, देखो ये हमारे पंडा जी है, पर इसमें जो पंडे हैं प्रसाद।